इधर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्कूली छात्रों द्वारा उफनाई नदी पार कर विद्यालय जाने का खतरनाक मंजर भी सामने आया है। जिले के सरस्वाही स्कूल पहुंचने के लिए आधा दर्जन गांव के छात्रों को खतरनाक उफनती नदी का सामना जान हथेली में रखकर विद्या अर्जन करने का सफर करना पड़ता है। जिले में बीते दिनों हुई तेज बारिश से करहिया स्टॉप डैम बहाव में बह जाने से जहां एक पुलिस के जवान की मौत हो गई थी, वहीं ग्राम धनवाही में नाले में बहा 12 वर्षीय मासूम अभी भी लापता है। बावजूद इसके ये खतरनाक मंजर जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। हम आपको बता दें कि सर्वाही हायर सेकेंडरी स्कूल में आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे गांव में हैं। जब मंझगांव बरताई धरदौड़ी को डार बरदोहा बरबसपुर खेरवा सरसवाही के छात्र अध्ययन करने पहुंचते हैं और वह हर साल बारिश के मौसम में स्कूली छात्रों को इसी तरह जान की बाजी लगाकर सफ़र करना पड़ता है। स्कूल आने जाने में दिक्कत ये होती है कि रोज बच्चे आते हैं स्कूल जाने के लिए और पुल इतनी बिगड़ी हुई है 3 साल से, पूरी फूट गई है पुल। एक बार बनवाया गया था पुल लेकिन फिर से फूट गई है। आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है जिससे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते और कोई बच्चे गिर जाते हैं, बहने लगते हैं और बहुत सी कठिनाइयाँ हैं और कोई रास्ता भी नहीं है दूसरा जाने के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन के प्रधानमंत्री मामा आज हायर सेकेंडरी स्कूल सरस्वाही गया था, वहाँ पर मैं सभी क्लासों में जाके प्रिंसिपल के साथ जानकारी ली कि वहाँ अधिकांश बच्चे 3 गांव से आते हैं, खुड़ार से, बरतराई से और ददरोड़ी से। उन बच्चों से मैं प्रत्यक्ष बात किया हूँ, वो किसी भी स्थिति में नदी पार करके विद्यालय बारिश तक नहीं आएंगे और प्रयास ये है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कि जब तक बारिश हो रही है तो हम उन्हीं गांव में जो मिडिल स्कूल हैं वहां पर 2-2 शिक्षक भेज के वहीं पर अध्यापन की व्यवस्था